मैं आपको पहले ही वॉर्न कर दूं कि आज की घटना की एंडिंग बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, सो प्लीज आप अपने विवेक से काम लें। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। आज की घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका के ओहायो में बने हुए स्ट्रॉन्ग्सविले नाम के एक शहर में जाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, इस शहर को आज भी बहुत ज्यादा शांतिप्रिय समझा जाता है। यहाँ की छोटी बड़ी बिल्डिंग्स और इनमें रहने वाले लोग बहुत बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन सन 2017 का वह समय था जब यह पूरा ही शहर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाला एक परिवार जिसको अननोन लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो असल में उनके साथ क्या हो रहा था, ये समझने के लिए हमें सन 2016 में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तब से ही स्टार्ट हुआ था। सो इसी स्ट्रॉन्गविले नाम के शहर में ब्रूस और मेलिंडा नाम का एक जोड़ा रहा करता था। और इसी जोड़े की एक बेटी थी जिसका नाम एना था, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल की थी, और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम जेफ था। वैसे तो इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन इन दोनों को बच्चा होने वाला था। तो यहाँ ये बात जब एना ने जाकर अपने माँ बाप यानी कि मेलिंडा और ब्रूस को बताई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए कि हाँ, घर में एक नई खुशी आने वाली है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही दिक्कत थी, और वो ये कि ब्रूस और मेलिंडा ने सोचा कि ये दोनों बच्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास तो कोई पैसा ही नहीं है। ये उस बच्चे को बड़ा कैसे करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एना, जो कि एक रेस्टोरेंट में सिर्फ वेटर का काम कर रही थी, जबकि उसका फियांसी यानी कि मंगेतर जेफ, वो एक कंपनी में टेक्नीशियन का काम कर रहा था। दोनों मिलकर भी इतना नहीं कमा पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे का ही खर्चा निकाल सके। और इसी बात से परेशान होकर यहाँ जेफ अपने माँ बाप के घर रह रहा था और एना यहाँ अपने माँ बाप यानी कि ब्रूस और मेलिंडा के साथ ही रह रही थी। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ ब्रूस और मेलिंडा ने अपनी बेटी से इस बात को डिस्कस किया कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तो उनका कोई प्लान तो था नहीं यहाँ पर। तो यहाँ एना ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो जैसे तैसे निकाल लेंगे अपना टाइम। तो यहाँ ब्रूस और मेलिंडा ने अपनी बेटी को ऑफर किया कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने फियांसी यानी कि जेफ को भी अपने साथ यहाँ हमारे घर में ही शिफ्ट कर लो, क्योंकि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आने वाले बच्चे का भी ख्याल हम रखेंगे और तुम दोनों आराम से यहाँ रहना। अब ये चीज सुनकर एना बहुत खुश हुई, उसने तुरंत जेफ को फोन किया। जेफ ने फोन उठाया, जेफ को ये बात जब पता चली तो वो तो अपना सब कुछ तामझाम सेट करके तैयार ही था। जैसे उसने फोन किया, उसने कहा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में ही अपना सारा कुछ लेकर यहाँ पहुंचता हूँ। उसने अपना सारा तामझाम अपनी गाड़ी में डाला, सीधा यहाँ एना के घर पहुंचा और अपना सारा झोला यहीं गिरा दिया। जून 2016 में यहाँ जेफ इस घर में शिफ्ट हुआ था, और इसी के जस्ट कुछ टाइम बाद से ही ब्रूस और मेलिंडा का एक पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई था जो उनके परिवार के लिए अब एक बहुत बुरा सपना बनने वाला था। और ऐसी एक जून की रात आई जब जेफ और एना अपने ऊपर वाले कमरे के बाहर बैठकर टेबल पर खाना खा रहे थे, और जेफ ने तभी अपनी खिड़की के बाहर देखा। असल में यहाँ इनके घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन था। जो वहाँ के घर होते हैं उनके पीछे आपको भी पता होगा कि लोग बैकयार्ड वगैरह छोड़ते हैं, गार्डन वगैरह छोड़ते हैं, जिसके अंदर वो आराम से घूम फिर सकें। तो ऐसे ही वो अपने गार्डन की तरफ देख रहा था, तभी उसे वहाँ कुछ बहुत अजीब दिखाई दिया। उसने तुरंत उस चीज़ को नोटिस किया, वो वहाँ से खड़ा होकर खिड़की के पास जाकर देखने लग गया उसको, और उसको वहाँ सामने चार अनजान लड़के खड़े हुए दिखाई दिए जो कुछ वहाँ पर सुट्टा वगैरह फूंक रहे थे। ये चीज़ आकर उसने एना से डिस्कस करी कि हमारे एरिया में चार लोग कौन है, इनको तो हमने पहले कभी नहीं देखा, और ये हमारे घर की तरफ मुँह करके ऐसे स्मोकिंग वगैरह क्यों कर रहे हैं। तो एना भी यहाँ उस खिड़की पर आई। अब दोनों मिलकर यहाँ उन सामने खड़े चारों लड़कों को उस गार्डन में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं और आखिर ये है कौन। इन दोनों ने खिड़की को खोलने की भी कोशिश करी, लेकिन एक्चुअल में खिड़की वो जाम हो चुकी थी और वो खुली नहीं। अगर खुल जाती तो वो सामने खड़े उन लड़कों से बात कर लेते कि आखिर हाँ बताओ भाई, क्या बीमारी है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। असल में ये लड़के जो थे ये इनकी प्रॉपर्टी में घुस चुके थे और इनके गार्डन के जस्ट कोने पर ही खड़े थे, और इस चीज़ को वहाँ पर ट्रेसपासिंग कहा जाता है। अगर कोई जोर जबरदस्ती से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाए तो वो चीज़ वहाँ गैरकानूनी है। और इसी चीज़ से परेशान होकर एना ने कहा कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ और इनकी शिकायत करती हूँ। अब जैसे वो फ़ोन उठाने के लिए गई, तभी उन चारों में से एक लड़का और अंदर की तरफ आने लगा, और इनके घर के बाहर एक वो ट्रैम्पोलिन होता है जिसके ऊपर बच्चे कूदते हैं, वो जो रबड़ का होता है और उछलते रहते हैं, उसके साथ वो लड़का छेड़छाड़ करने लगा। और जैसे ही यहाँ एना ने 911 को कॉल किया, पुलिस जब तक यहाँ अपनी गाड़ियाँ लेकर आई तब तक वो चारों लड़के वहाँ से भाग चुके थे। पुलिस ने आसपास के लंबे इलाके में छानबीन करी, लेकिन उन चारों का कोई पता नहीं चला। पुलिस वापस इनके घर आई और कहा कि देखिए, हो सकता है कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो, और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कुछ अभी तक किया नहीं है आपके साथ।
तो हम यहाँ पर किस चीज का मुकदमा करें, किस चीज की छानबीन करें। अगर उन्होंने कुछ किया तो हम इसकी तहकीकात जरूर करेंगे। अब पुलिस वाले यहाँ एना और जेफ को सॉरी बोलकर वहां से वापस निकल लिए। जल्दी ही घर में ब्रूस और मेलिंडा भी आ गए और एना और जेफ ने जाकर उनके साथ भी ये चीज डिस्कस करी कि यहाँ चार बंदे खड़े थे और रात का टाइम हो चुका था और हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ब्रूस और मेलिंडा ने भी माना कि नहीं, आज तक हम इतने सालों से यहाँ रहते आए हैं, हमें तो ऐसे आज तक कोई नहीं आता हुआ दिखाई दिया, अब अगर आया है तो ये चीज जरूर सीरियस है। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात सीरियसली नहीं ली। अगर यहाँ ये बात सीरियसली पुलिस ले लेती तो यकीन मानिए ये कहानी आज मैं नहीं बना रहा होता। नवंबर 2016 का टाइम आ चुका था और अब तक यहाँ एना और जेफ की एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी हो चुकी थी और अब यहाँ एना नवंबर 2016 में उसी बच्ची के साथ इस घर में अकेली थी। सभी अपने अपने काम धंधों पर गए हुए थे और तभी यहाँ बैठे बैठे एना को आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई उनके घर के जो पीछे वाला दरवाजा है उसको कोई खींच कर खोलने की कोशिश कर रहा है, जोर जबरदस्ती उस दरवाजे के साथ कर रहा है। एना को लगा कि उसके सारे परिवार वाले घर के बाहर हैं तो हो सकता है वो ही आए हों और उनके पास चाबी वगैरह ना हो, तो जरूर उसको जाकर वहां वो दरवाजा खोल देना चाहिए। एना ने अपनी बेटी को उठाया, वो घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाने लगी लेकिन वो अभी तक घर के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंची नहीं थी। उससे पहले ही जो दरवाजे के साइड में एक शीशा लगा हुआ था उस शीशे से बाहर का व्यू क्लियर दिखाई दे रहा था और उसमें साफ दिख रहा था कि एक आदमी उस घर के अंदर ऐसे झांकने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज देखते ही एना बहुत ज्यादा डर गई। एना को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन, जबकि दूसरा आदमी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद तुरंत एना वापस ऊपर भागकर अपने कमरे में गई, उसने कमरे को बंद कर लिया और अपने मोबाइल से 911 को कॉल किया। पुलिस यहां आई, पुलिस ने जब आसपास छानबीन करी तो उनको वहां कोई नहीं मिला और वापस पुलिस एना के पास आई और कहा कि देखिए हमें यहां कुछ नहीं मिला है, अगर आपके साथ दोबारा ऐसा कुछ होता है तो प्लीज आप हमें दोबारा इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आकर यहां दोबारा छानबीन करेंगे। अब हमने इस गेट को देख लिया है जो आप कह रहे थे कि वो जोर जबरदस्ती से खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर ऐसे कोई निशान नहीं है और ना ही साइड वाले जो ग्लास लगा हुआ है, जो शीशा लगा हुआ है, उसके ऊपर भी ऐसे कोई निशान हमें मिले हैं। सो प्लीज हम तो अभी जा रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप हमें छुट्टी दे दो और आगे अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमें याद जरूर करना। ये कहकर पुलिस वाले भी वापस वहां से निकल लिए। पुलिस के जाने के बाद एना ने अपने माँ बाप को फोन किया, अपने घर वाले को फोन किया, सभी को बुलाया, सभी यहाँ पहुंच गए और बैठकर बातें करने लगे कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता था जो भी इनके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तभी इनको याद आया कि कुछ महीने पहले भी तो चार लोग हमें हमारे घर के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए थे, तो क्या इस आदमी का जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था इसका और उन चार लड़कों का कोई कनेक्शन आपस में हो सकता है? सभी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, वरना ऐसे कौन अंदर आएगा। तो अब इनके मन में यहाँ दो सवाल थे कि ये लोग आखिर है कौन और ये हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन दोनों सवालों के ही जवाब इनमें से किसी के भी पास नहीं थे। इस परिवार ने टेबल पर बैठकर सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या कोई उनका यहाँ दुश्मन हो सकता है, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आज तक तो उनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई है, आज तक तो उनका कोई दुश्मन नहीं बना है, तो ये काम आखिर कर कौन रहा है? जबकि यहाँ मेलिंडा स्ट्रॉन्ग्सविले के ही एक स्कूल में 20 सालों से भी ज्यादा टीचर रह चुकी है और वो अब भी यहाँ बच्चों को सॉकर वगैरह खिलाती है, क्योंकि वो कॉलेज में स्टेट लेवल के चैंपियनशिप खेल चुकी थी सॉकर गेम में और अब वो यहाँ सॉकर कोच भी बन चुकी थी, तो बहुत अच्छी रेपुटेशन इस फैमिली की थी, तो आखिर यहाँ कौन ही हो सकता है? दूसरी तरफ मेलिंडा यहाँ ना सिर्फ एना की माँ थी बल्कि मेलिंडा का एक और लड़का भी था जिसका नाम काइल था। असल में काइल सुधार गृह में रहा करता था क्योंकि ये दिव्यांग था, गूंगा था, ये बोल नहीं सकता था, तो इसलिए इसकी माँ ने इसका इलाज करवाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में भी ट्राई किया, बेचारी उसको भी पाल रही थी, सब कुछ यहाँ परफेक्ट कर रही थी। जनवरी 2017 का टाइम आ चुका था और 2 महीने बीत चुके थे जब एना ने लास्ट टाइम उन लड़कों को देखा था। अब जनवरी 2017 में एक रात यहाँ ब्रूस और मेलिंडा को खटपट सुनाई दी उनके घर के बाहर और जब उन्होंने घर के बाहर आकर देखा तो उनकी गाड़ी के सारे दरवाजे खुले हुए थे। जब उन्होंने गाड़ी को संभाला तो उसके शीशे भी टूटे हुए थे और अंदर से सामान भी गायब था। अंदर यहाँ ब्रूस का लैपटॉप रखा हुआ था और वो लैपटॉप चोरी हो चुका था। तुरंत यहाँ पर इन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आकर गाड़ी की जाँच करी, इसकी शिकायत लिख ली कि हाँ यहाँ पर चोरी हुई है, लेकिन वही कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों तक यहाँ जांच चली पर वो पुलिस उस लैपटॉप को ट्रेस नहीं कर पाई और अंत में केस वहीं पर बंद कर दिया गया और कहा गया अगर आपको आगे कुछ पता चलता है या फिर आगे अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प करने यहाँ आ जाएंगे। जुलाई 2017 में जब यहाँ एना जेफ और उनकी छोटी सी बच्ची इस घर में अकेले ही थे तीनों और तभी यहाँ रात को
एना को खिड़की में दिखाई दिया कि जहां उन्होंने सबसे पहली बार उन चार लड़कों को वो सिगरेट पीते हुए वहां देखा था, अब भी वहां उसी जगह पर तीन लड़के खड़े हैं और अब की बार वो कुछ नहीं कर रहे, जस्ट वो खड़े होकर उनके घर की तरफ देख ही रहे हैं जस्ट, और ना ही वो आगे आ रहे हैं ना ही पीछे आ रहे हैं। जब ये चीज़ उसने जाकर जेफ को बताई कि वो लड़के वहीं खड़े हैं, जेफ उठा तुरंत, वहां जाकर उसने खिड़की पर देखा कि हाँ लड़के वहीं खड़े हैं, साइड में रखी उसने अपनी टॉर्च उठाई और वो सीधा घर में नीचे गया और बाहर निकल गया उन लड़कों की तरफ जाने के लिए। वो उससे निपटना चाहता था, मिलना चाहता था कि आखिर वो है कौन और क्या चाहते हैं। लेकिन जब तक यहाँ जेफ उन लड़कों के पास पहुंच पाता और उनको फ्लैशलाइट वगैरह दिखाकर उनको भगा पाता या फिर उनसे बात कर पाता या फिर पहचान पाता, लेकिन उससे पहले ही वो लड़के वहां से घूमकर भाग चुके थे। शायद उन्होंने सुन लिया था कि जेफ धीरे धीरे कर उनके पास आ रहा है। तुरंत पुलिस को यहां बुलाया गया, पुलिस वालों ने एक बड़ी सर्च यहां इधर उधर करी लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और वो वापस इस परिवार के पास आए और कहा कि हमने पहले भी यहाँ आपके कहने पर काफ़ी बार सर्च की है और अब फिर से करके आए हैं, हमें कुछ नहीं मिला, अगर आपको दोबारा कोई परेशान करता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हो सके तो उनकी फुटेज वगैरह ले लीजिएगा, सीसीटीवी वगैरह अपने घर के आसपास लगवा लीजिएगा। ये चीज़ कहकर पुलिस वाले वहां से निकल लिए। कुछ ही दिनों बाद यहां एना और उसकी बेटी यहां घर पर अकेले थे, बाकी सारे लोग अपने काम धंधों पर गए हुए थे। तभी यहाँ एना ने सुना कि वही उसका घर का जो पिछला दरवाज़ा था शीशे वाला, उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर से यहाँ खटपट हुई, एना ने उस आवाज़ को सुना लेकिन एना ने सोचा कि वो अब की बार पहले पुलिस को फ़ोन नहीं करेगी, वो जाकर देखेगी कि आखिर यहाँ पर है कौन, वो उसको पहचानने की कोशिश करेगी, क्या पता उसका कोई फैमिली मेम्बर ही हो या फिर जो भी है उससे बात करेगी और बाद में यहाँ पर अगर कुछ गलत लगा तो वो पुलिस को बुलाएगी। उसने अपने बच्चे को उठाया, वो सीधा घूमते हुए अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर पहुंची, पीछे वाले दरवाजे पर पहुंची और उसके बराबर में जो खिड़की लगी हुई थी उसके अंदर उसने झांकने की कोशिश करी और जैसे उसने झांका वो बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि उसके दरवाजे के बराबर में ही बिल्कुल दो हट्टे कट्टे हाँ लड़के खड़े हुए थे और वो जोर जबरदस्ती से उनके घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों ने मास्क पहना हुआ था, एना उनको नहीं जानती थी, ये दोनों उसके परिवार के मेंबर तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि इनमें से किसी का भी शरीर उनके परिवार वालों से मेल नहीं खा रहा था। एना यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग गई। एना की चिल्लाहट को सुनकर बाहर खड़े दोनों लड़के तुरंत वहां से भाग निकले और जब यहाँ पर एना चिल्ला ही रही थी, चिल्लाते चिल्लाते अपने घर के मेन गेट पर आई, उसने गेट खोला तो सामने मेलिंडा खड़ी हुई थी। मेलिंडा देखकर एना को बहुत राहत मिली। मेलिंडा ने पूछा कि क्या हुआ है, एना ने बताया कि अभी अभी उसने उन दो लड़कों को देखा है जो घर के बाहर खड़े थे और दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मेलिंडा ने उसको शांत किया, तुरंत पुलिस को बुलाया, पुलिस वापस आई, पुलिस ने वापस सर्च किया लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि हमने दोबारा सर्च किया है, अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो आप हमें बता सकते हैं, वरना हमें तो कुछ मिला नहीं है और अगर आपको दोबारा ऐसा कुछ फील होता है तो आप हमें ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। सेप्टेम्बर 2017 का टाइम आ चुका था और अब यहाँ मेलिंडा के साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। मेलिंडा की जो गाड़ी थी उसकी चाबी एक गुम हो चुकी थी उसके घर से ही। अब किसी को नहीं पता था कि उनके घर में कौन आया और यहाँ मेलिंडा की गाड़ी की चाबी ले गया। गाड़ी बाहर ही खड़ी है, चाबी का समझ नहीं आया कि क्या वो सिर में मारेगा। खैर, अब इस चाबी का इस्तेमाल वो आने वाले दिनों में करने वाला था जिसने भी ये चाबी चुराई थी। जी हाँ, जब ये पूरा परिवार इस घर के अंदर सो रहा था तो वो व्यक्ति बाहर आकर मेलिंडा की गाड़ी खोलता और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके जस्ट छोड़ देता। पूरी पूरी रात यहाँ गाड़ी चलती रहती। वहाँ की गाड़ियों में सिक्योरिटी अलार्म होता है और अगर कोई उसको धक्के से खोलने की कोशिश करता है तो वो बच जाता है। अब जबकि उस आदमी के पास चाबी है, वो उस गाड़ी को चाबी से खोल सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी वो उसको धक्के से उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता और जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता वो उसके इंजन को चाबी से स्टार्ट करता, ताकि सिर्फ इसलिए कि उनकी नींद ख़राब हो और वो बाहर आएं और देखें कि उनके साथ क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, वो मेलिंडा की गाड़ी के टायर में भी यहाँ बहुत सारी कीलें ठोक कर चला जाता। सुबह उठकर देखते तो वो उनका टायर खत्म हो चुका होता और ये चीज़ देखते हुए परिवार अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। दोबारा यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को गाड़ी की दिखाई गई लेकिन फिर अब यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस को कुछ नहीं मिला, कौन कर सकता है ये काम। पुलिस ने दोबारा कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो आप हमें बता सकते हैं, वरना अगर आपके साथ ऐसा कुछ दोबारा हो तो आप हमें जरूर बुलाइएगा। इस तरह के पुलिस इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकती है जब पुलिस वाले सुबह सुबह उठते ही हैवी माल फूंक कर सेट हो जाएं और फिर जाकर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करें। यहाँ साफ दिख रहा था कि कोई है जो यहाँ पर आ रहा है, आसपास के और भी तो सीसीटीवी से उनको भी खंगाला जा सकता था, सबूत मिल सकते थे अगर कोई ढूंढना चाहे तो। खैर, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मेलिंडा ने ही यहाँ अपनी फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट डाली जिसमें वो सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर ये व्यक्ति जो भी है या तो हमारे सामने आए, हमसे बात करे, हमको ऐसे परेशान करना बंद कर दे, मेरी गाड़ी को ऐसे
छेड़ना बंद कर दे। रात को आता है 4:30 बजे, सुबह आता है 7-7 बजे और गाड़ी को स्टार्ट करके चला जाता है, उसके साथ शोर शराबा कर रहा है। ये व्यक्ति जो भी है प्लीज इन सबको बंद कर दे और हमें अकेला छोड़ दे। 19 अक्टूबर 2017 के दिन भी यहाँ जेफ घर पर अकेला था और तभी उसने देखा कि पीछे वाले दरवाजे को कोई जोर जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने अकेला ना जाने की बजाय उसने घर के जो फैमिली डॉग था उसको उठाया और उसको साथ ले लिया घर के पीछे जाते हुए। वो घर के बाहर की तरफ से जा रहा था तभी उस डॉग ने उस आवाज को सुनते हुए, क्योंकि वो दरवाजा खोल रहा था तो आवाज आ रही थी उससे, और यहाँ उस डॉग ने उस आवाज को सुनते ही भौंकना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इस डॉग के भौंकने की आवाज सुनी, वो आदमी जो भी पीछे था उसने तुरंत तेजी से भागना स्टार्ट कर दिया। जेफ ने उसे भागते हुए देखा, वो हट्टा कट्टा एक 6 फुट आदमी था और वो तेजी से पीछे की तरफ जाकर कहीं गायब हो गया पेड़ों में। तुरंत पुलिस को बुलाया गया लेकिन अगेन पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस का तो क्या ही करें, इस केस में तो पूरी तरह से वो सेट हो चुके थे। 23 अक्टूबर 2017 का दिन आ गया जब शाम हो चुकी थी और यहाँ ऐना जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी तो यहाँ ऐना ने प्लान बनाया कि जेफ तुम आज यहाँ रेस्टोरेंट में ही आ जाओ अपनी बच्ची को लेकर और हम यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। तो जेफ ने कहा ठीक है मैं यहीं आ जाता हूँ। जेफ ने अपनी बच्ची को उठाया और जैसे वो घर के बाहर जा रहा था तो उनको उसका पिता यानी कि ऐना का बाप यहाँ मिल गया ब्रूस, और ब्रूस से पूछा कि क्या तुम भी मेरे साथ खाने के लिए चलोगे। तो ब्रूस ने कहा ठीक है मैं भी चल लेता हूँ। ब्रूस, जेफ और जेफ की बच्ची यहाँ तीनों गाड़ी में बैठे ऐना के रेस्टोरेंट पर पहुंचे, वहाँ खाना खाया और अब ऐना को वापस साथ लेकर ही अपने घर आने वाले थे वो। तो सब लोग अब यहाँ वापस अपने घर पहुंच चुके थे और जेफ गाड़ी चला रहा था। जेफ गाड़ी को पार्क करने के लिए गैराज की तरफ चला गया। ऐना उसके साथ ही बैठी हुई थी जबकि उनकी बच्ची यहाँ ब्रूस के हाथ में थी और ब्रूस ही पहला व्यक्ति था जो अब घर के अंदर जाने वाला था। उसने जाकर सीधा पहले घर का दरवाजा खटखटाया। अच्छी बात ये थी कि उनका बच्चा यानी कि कायल, वो जो दिव्यांग बच्चा था, वो घर के अंदर आया हुआ था अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। तो जैसे उसने वो खटखटाहट सुनी वो बाहर उठकर आया, उसने दरवाजा खोला, वो कुछ नहीं बोल सकता था। ब्रूस उस बच्ची को साथ लेकर अंदर की तरफ गया, अंदर की लाइटें वगैरह बंद थी, उसने जाकर लाइटें ऑन करी, पहले लिविंग हॉल की और फिर जाकर किचन की भी लाइट ऑन करी। और जैसे उसने किचन की लाइट ऑन करी उसकी ध्यान नीचे की तरफ गया और जैसे उसने नीचे की तरफ देखा उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखते ही वो तुरंत वापस बाहर भागा और सीधा जाकर पुलिस को कॉल किया। तो अगर आप उस 911 कॉल को सुनेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि आखिर ये चीज़ हो क्या रही है, क्योंकि यहाँ पर जो उसने बताया पुलिस को वो सही से बता तक नहीं पा रहा था जो उसने अभी अंदर देखा था। 911, what's the city of your emergency? Strongsville, Ohio. We have people on the way already. What's the address? A blazing star. I think someone killed my wife. You think someone killed your wife? Yeah, there it looks like she has stab wounds on her back. We've had people trying to break into our house all year. Sir, I need to ask you questions, okay? Are you there right now? I just got in the door with my new son-in-law. My son was here with her. असल में हाँ, उस घर के अंदर जो किचन थी उस किचन के जो फर्श था उस फर्श के ऊपर मेलिंडा की लाश पड़ी हुई थी और इस मेलिंडा को 35 से भी ज़्यादा बार चाकू मारे गए थे और एडिशनली 3 बार गोलियां भी उसके पेट में मारी गई थी। मेलिंडा अंदर मृत पड़ी हुई थी और जेफ और ब्रूस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेलिंडा की लाश को देखा था। तुरंत यहाँ मेलिंडा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन पहले ही मेलिंडा की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार अब सदमे में आ चुका था कि अभी अभी उनके परिवार मेंबर के साथ क्या हो गया। सभी का शक जो यहाँ गया वो उन्हीं सभी इंसिडेंट्स के साथ गया जो उनके साथ पहले होते आए थे। वही अनजान लड़के जो उनको परेशान कर रहे थे इतने लंबे टाइम से, तकरीबन 2 साल हो चुके थे उनको परेशान करते हुए, और अब जाकर यहाँ मेलिंडा की मौत हुई है और सभी का ध्यान उनकी तरफ ही गया कि जो भी है ये सब उन्होंने ही किया है। जब यहाँ पर ब्रूस ने 911 को कॉल किया था तभी यहाँ पर उसी टाइम पर जेफ ने खुद भी यहाँ कॉल किया और इस रिकॉर्डिंग में यहाँ जेफ पुलिस को समझा रहा है कि अंदर यहाँ मेलिंडा की लाश पड़ी हुई है, किसी ने आकर उनके ऊपर हमला कर दिया है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है, आप अपने एरिया वाले को फ़ोन करिए, मैं आपकी कॉल जो है उनके पास ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और वो ट्रांसफ़र करने के बाद भी पुलिस ने कोई इंटरेस्ट इस केस में नहीं दिखाया। खैर फाइनली पुलिस इस क्राइम सीन पर जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने आसपास मौजूद सारे सबूतों को इकट्ठा किया और सिर्फ चार दिन के अंदर ही ये केस क्रैक हो चुका था। असली जो कल्प्रेट था यहाँ पर, असली जो आरोपी था वो भी सामने आ चुका था। और जब पुलिस इस इंफॉर्मेशन को लेकर पब्लिक के सामने गई तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि जो आरोपी है वो सच में यही है और कैसे ये काम ये बंदा कर सकता है। जी हाँ, बहुत ही ग्रूसम डिटेल्स अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वापिस चलते हैं 23 अक्टूबर 2017 की शाम को ही, जब इस घर के अंदर मेलिंडा, जेफ, उसकी छोटी बच्ची और यहाँ
वो काइल जो कि दिव्यांग बच्चा है, सिर्फ ये चार लोग ही मौजूद थे। जेफ यहाँ ऊपर वाले कमरे में मौजूद था। जेफ अपने कमरे से बाहर निकला, नीचे आया, उसने साइड में ही किचन में रखा हुआ चाकू उठाया और चाकू सीधा मेलिंडा के पेट में देकर मारा और एक बार नहीं बल्कि 35 बार उसके पूरे शरीर के ऊपर चाकुओं से वार किया। और जब यहाँ मेलिंडा नीचे गिर गई, उसने यहाँ मेलिंडा के शरीर पर 3 बार गोलियों से भी वार किया। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि जब जेफ मेलिंडा को मार रहा था, उसकी खुद की ही बच्ची यहाँ जेफ की, वो जो छोटी सी बच्ची, वो कुछ ही फीट दूर थी। और इसके भी हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि मेलिंडा का खुद लड़का काइल जो कि दिव्यांग बच्चा था, वो खुद यहाँ सामने खड़ा होकर देख रहा था कि उसका ही जीजा यानी कि उसकी बहन एना का घर वाला हस्बैंड जेफ वही अपनी सासू माँ यानी कि मेलिंडा को मार रहा है। मेलिंडा की जान लेने के बाद जेफ उठा, उसने अपने सारे हथियारों को साफ किया, वो भी काइल और अपनी बच्ची के सामने ही। उसने अपने खुद के भी कपड़े बदले और अब बाहर जाने के लिए तैयार था। उसने ये दरवाजा लॉक कर दिया, घर की सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी, अपनी बच्ची को उठाया और काइल अब अपनी माँ जो कि अब मरने ही वाली थी कुछ ही सेकेंड्स में, काइल को अपनी माँ के साथ अकेला छोड़ दिया, खुद की बच्ची को उठाया, बाहर गया। और बाहर जाते जाते उसको ब्रूस मिल गया। उसने ब्रूस को कहा कि आ जाओ खाना खाने चलते हैं। ब्रूस खुद बैठ गया, जबकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी घरवाली यहाँ अंदर मृत पड़ी हुई है। ब्रूस, जेफ और उसकी बच्ची यहाँ तीनों एना के पास गए, उसके रेस्टोरेंट में वहाँ खाना खाया और अब वापस आ चुके थे। सोचकर देखिए, एक लड़का जिसने अभी अभी अपनी माँ समान सासू माँ को मार डाला हो और वो ये कांड करने के बाद मेलिंडा के हस्बैंड ब्रूस और मेलिंडा की ही बेटी एना के साथ जाकर खाना खा रहा था। और जब ये लोग वापस आए, ब्रूस ने सबसे पहले जाकर मेलिंडा की लाश को देखा और सीधा जाकर बाहर आकर जेफ को बताया। दोनों ने मिलकर अब 911 को कॉल किया। असल में ये कांड जेफ ने क्यों किया, इसका असल सच कभी सामने नहीं आया क्योंकि जेफ ने आज तक बताया नहीं। लेकिन एक पॉसिबल थ्योरी यहाँ पुलिस ने बनाई और कहा कि जेफ ने कांड इसलिए किया होगा क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद जेफ की शादी होने वाली थी एना के साथ ऑब्वियसली, और जहां इन्होंने वो शादी करने का प्लान किया था उस रिजॉर्ट में, उस रिजॉर्ट को पैसा देने के लिए जेफ के पास पैसा ही नहीं था, फ्री में तो वो बुक होगा नहीं। तो यहां उन रिजॉर्ट वालों ने मेलिंडा को कॉल किया और कहा कि आपका जो ये दामाद है, ये हमको कह रहा है कि हमारा रिजॉर्ट बुक कर दो और शादी वगैरह करेंगे, लेकिन इसका खर्चा कौन देगा। मेलिंडा ने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ जेफ से। मेलिंडा ने जाकर जेफ से बात करी कि ऐसे ऐसे तुम वो रिजॉर्ट बुक कर रहे हो, उसका खर्चा कौन देगा। जेफ ने कहा मेलिंडा आप ही दोगी। मेलिंडा ने कहा मेरे पास इतने नहीं हैं। अब इस चीज से जेफ नाराज हो चुका था और इसी नाराजगी के चलते यहाँ जेफ ने तुरंत मेलिंडा को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये स्टोरी वैसे तो चल रही है, लोग मान भी रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग्सविले में रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लोग अपनी कॉमन सेंस थोड़ी सी नहीं लगा रहे। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछले दो सालों से इस घर के लोगों को परेशान कर रहे थे, वो लड़के जो कभी बाहर आकर खड़े हो जाते थे, सुट्टा वगैरह फूंकते थे, उनके दरवाजों को खटखटाते थे, उनकी गाड़ियों के साथ ऐसा कुछ कर रहे थे, लैपटॉप चोरी कर रहे थे, इन सारे कांडों के पीछे खुद जेफ का हाथ था। जहां जेफ ने सामने आकर कन्फेस किया कि उसने अपने दोस्तों को, उसने कुछ पेड सस्पिशियस पीपल्स को हायर किया था जिनको वो पैसा देता था ये सब काम उनके घर के बाहर करने के लिए, क्योंकि वो अपने घर वालों को सिर्फ डराना चाह रहा था। जेफ के आस पड़ोसियों ने ही बताया कि जेफ जब से यहाँ 2016 में इस घर में शिफ्ट हुआ था, तब से ही इस परिवार के साथ बहुत अजीब अजीब वो घटनाएं हो रही थी। उसके पहले से कोई नहीं हुई, उनका कोई दुश्मन नहीं था, तो ये काम आखिर कौन करेगा जेफ के अलावा। लेकिन जेफ का मोटिव अभी तक समझ नहीं आया कि जेफ ने आखिर ये क्यों किया। पुलिस ने तुरंत जेफ को गिरफ्तार कर लिया था सिर्फ 4 दिनों बाद ही, क्योंकि जब यहाँ पुलिस ने उसकी गाड़ी चेक करी तो गाड़ी के अंदर वही खून से लथपथ सामान, खून से लथपथ उसके कपड़े, हथियार वगैरह सब उसकी गाड़ी की डिग्गी में बरामद हुए और इतने सबूत काफी थे जेफ को झपने के लिए। झपते यहाँ कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में फर्स्ट ट्रायल में ही यहाँ जेफ को 33 सालों की सजा सुना दी गई, वो भी बिना पैरोल के। लेकिन एक बहुत ही ग्रूसम कांड हुआ था बिना मोटिव के। क्यों यहाँ पर वो अपने ही माँ समान सासू माँ को मारेगा जो कि यहाँ उसे रहने के लिए जगह दे रही थी, खाना पानी दे रही थी, उसने अपनी लड़की तक दे रखी थी उसे, जबकि शादी तक नहीं हुई थी। जबकि फ़र्ज़ बनता है लड़के का शादी के बाद कि वो लड़के का ध्यान रखे, अपने साथ उसे लेकर जाए और खुद अपनी नई ज़िंदगी बसाए। लेकिन यहाँ वो तो घर जमाई बनकर बैठा हुआ था और फिर भी यहाँ मेलिंडा का उसने कत्ल कर दिया। क्यों, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या स्टोरी होगी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मैं ऐसी ही स्टोरीज को छोटे फॉर्मेट में डालता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आदित्य चटर्जी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।